स्वागत है बच्चों, आप सभी का डाउटनेट पर। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। आज हम इस चैप्टर को विकास, बहुत लंबा अध्याय था, इसको आज हम खत्म करेंगे। किसको बेटा? हमारे इस चैप्टर को, विकास को, जिसमें हमारा कार्बनिक विकास का सिद्धांत और साथ साथ मानव विकास जो है, कार्बनिक विकास का सिद्धांत, इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है ना, वो प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक वर्ण वाला, औद्योगिक उत्कृष्टता, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, है ना, और फिर उसके बाद मानव विकास। कोशिश पूरी की जाएगी इस चैप्टर को खत्म करने की आज, ठीक है। सो यही चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, कार्बनिक विकास का सिद्धांत, मानव विकास पूरा करने की पूर्णतः कोशिश की जाएगी। आइए, डार्विनवाद हमने पढ़ा था, डार्विनवाद में कुछ गलतियां थी, उसको सही किया गया था नव डार्विनवाद में। ये उसके कुछ बिंदु थे, तीव्र गुणन था, जब सीमित भोजन और आवास है, उत्तर जीविता के लिए संघर्ष था, विभिन्नताएं चार प्रकार से आती हैं, उसके बाद प्राकृतिक चयन जरूरी है, प्रकृति चयन करती है, और पृथक्करण करना बहुत जरूरी है नई जाति की उत्पत्ति के लिए। ये वाला जो बिंदु जो था, इस बिंदु का एक उदाहरण रह रहा था, किसका? प्राकृतिक वर्ण का, प्राकृतिक चयन का, नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जांपल रह रहा था। कौन सा? औद्योगिक उत्कृष्टता, जो मेरे से थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया था, जो मैं आज आपको क्लियर कट तरीके से आपको बताऊंगा। देखिएगा, यहाँ पर जो चीज दे रखी थी शायद आपको समझ में ना आए, अभी सिर्फ इतना सा, ये किसने बताया था? बर्नार्ड केटलवेल ने बताया था, ठीक है। कहां पर? इंग्लैंड में उन्होंने अध्ययन किया था, और क्या बताया था? देखिएगा अब यहां पर, फर्स्ट आगे बढ़ने से पहले, दो प्रकार के मौत थे, ये आपको याद आ रहा है। एक था कार्बोनेरिया और एक था बिस्टन बेटुलेरिया, ये कंडीशन थी, ठीक है। ये थे डार्क कलर, गहरे रंग के थे, और ये लाइट कलर, के थे, ठीक है। ये गहरे रंग के थे और ये हल्के रंग के थे। यू मान लीजिए ये काले और ये भूरे, यू मानिए, बस ये याद रखना। क्या? ये काले रंग के थे, ब्लैक कलर के थे, और ये भूरे रंग के थे, बस यही कंफ्यूजन मेरे को पिछले लेक्चर में हो रहा था। सो काले रंग के जो थे वो थे कार्बोनेरिया, कार्बन आ रहा है ना, कार्बन ब्लैक कलर का होता है इसलिए कार्बोनेरिया, काले रंग के थे कार्बोनेरिया, भूरे रंग के हैं बिस्टन बेटुलेरिया, ओके। अब इधर देखिएगा, हमने बोला सबसे पहली कंडीशन औद्योगिकीकरण से पहले यानी उस टाइम पे स्मोक यानी धुआं नहीं था, धुआं हुआ नहीं था, ठीक है। अब इस कंडीशन में एक तना है, और तना जो है वो भूरे रंग का है, तना जो है वो कैसे रंग का है? थोड़ा सा भूरे रंग का है, पीला सा दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप मान के चलेंगे ये कैसे रंग का है? भूरे रंग का है, ठीक है। अब ये जो भूरे रंग का ये जो तना जो है, इस भूरे रंग के तने पर आपके दो प्रकार के कौन है? मौत, ये कौन है? ये मौत है, शलभ है, कीड़े हैं। अब मान लीजिए इन दोनों में से ये वाला कैसे रंग का है? काले रंग का है। लो जी, एक काले रंग का कीड़ा है, और ये वाला कैसा है? भूरे रंग का है। ये भूरे रंग का है। अब देखो, मैंने भूरा रंग बनाने की कोशिश करी, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ये भूरे रंग का है, दिखाने के लिए अब दिखाना भी तो पड़ेगा ना। ये लो, चलो ये भूरे रंग का, बस थोड़ा सा पीला सा दिख रहा होगा, ये भूरे रंग का है, और एक था आपका काले रंग का। दो प्रकार के कीड़े, ये है कार्बोनेरिया और ये है बिस्टन बेटुलेरिया। अब आप मुझे बताइएगा, कार्बोनेरिया और बिस्टन बेटुलेरिया में से कौन सा अपने अपने शिकारी को आसानी से दिखाई देगा? सोचिए,
भैया बिस्टन बेटुलेरिया औद्योगिकीकरण से पहले जब धुआं वुहां नहीं निकला था, तना जो था वो कैसा था, भूरे रंग का था। और बिस्टन बेटुलेरिया भी कैसे रंग के, भूरे रंग के। ये कैसे रंग के, भूरे रंग के। भूरा रंग है इनका, इनका कैसा है, काला है। और तना जो है वो भी भूरा है, तना भूरे रंग का। बिस्टन बेटुलेरिया भूरे रंग के, कार्बोनेरिया काले रंग के। तो कौन अपने आप को छद्मावृत कर लेगा, मतलब मिमिक्री कर लेगा, यानी अपने आप को बचा लेगा, उस रंग में ढल गया जिससे वो शिकारी की नजर में ना आ पाई। ये ना, ये तो नहीं बचा पाया, इसने अपने अंदर चेंज नहीं लाया, तो कौन शिकारी की नजर में आएगा? ये। अब जब ये शिकारी की नजर में आएगा तो इसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसको खाया जाएगा, इसकी संख्या हो जाएगी कम और इनकी संख्या हो जाएगी ज्यादा। अब जरा सोचिए, प्रकृति ने किसका चयन कर लिया? सर प्रकृति ने इनका चयन किया, क्योंकि ये प्रकृति के अनुसार ढल गए। अपना कलर जो था इनका भूरा था, इस प्रकृति के अनुसार ढल रहे थे, तो इनकी संख्या क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है सर, पहली कंडीशन सिंपल आई। दूसरी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है, जब औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकी करण के दौरान, अब औद्योगिकरण होएगा, उद्योग जो है उनमें चिमनियां जो होती है जहां से धुआं निकलता है, वहां से धुआं निकलेगा भाई। औद्योगिकीकरण में इंडस्ट्रीज जो होंगी उसमें मशीनें चलेंगी, हाँ चलेंगी, कोयला डाला जाएगा। उद्योगों को पहले की बात कर रहे हैं भाई साहब, है तो कोयला डाला जाएगा, धुआं निकलेगा। यस, तो धुआं निकला। यस, धुआं जो है वो निकला। अब वो धुआं जो होता है वो जाकर एकत्रित हो रहा है किस पे, तनु। धुआं जो है वो किस पर एकत्रित होएगा, सर तने पर होएगा। यस, और तने कैसे हो जाएंगे, सर काले हो जाएंगे। जो तने हैं कैसे हो जाएंगे, सर तने जो है वो काले हो जाएंगे। बिल्कुल बात सही है, तने काले हैं। अब हैं काले तने, क्योंकि तने के ऊपर पहले तना जो था वो भूरा था। सर पीला दिख रहा है, भूरा मान ना बेटा, मेरे पास भूरा रंग नहीं है ना, तो मैं दिखा देता हूं, थोड़ा सा भूरा सा ही लग रहा है मेरे को, आपको पता नहीं लग रहा हो रंग, ठीक है। अब भूरे रंग का तना था, लेकिन जब धुआं निकला तो ये धुआं जो था, ये धुआं जो था जब निकलेगा वातावरण में, तो वो धुएं के कण जो है चिपकेंगे किस पे, तनों पर। अब तने जो है बाहर से, तने के ऊपर एक काली परत चढ़ जाएगी धुएं की, तो तना कैसा हो जाएगा, ब्लैक। अब आप मुझे बताएं, इस ब्लैक पर आपके दो प्रकार के कीड़े, एक जो भूरे रंग का था, एक जो भूरे रंग के और एक जो काले रंग के, एक जो काले रंग के। अब काला मैं दिखा नहीं पा रहा क्योंकि तना भी तो काला है। ये लो, ये काले रंग के, ये काले रंग का कीड़ा और ये भूरे रंग का कीड़ा। अब आप मुझे बताएं, ये है कार्बोनेरिया और ये बिस्टन बेटुलेरिया, ये बिस्टन बेटुलेरिया, ये कार्बोनेरिया, ठीक है जी। एक काले रंग का है और एक भूरे रंग का है, और इस बार तना जो है उसके ऊपर भूरा रंग है कि काला है, सर काला है। अब काले रंग में कौन ढल गया, काले रंग में कार्बोनेरिया ढल गया, प्रकृति ने अब इसका चयन कर लिया। अब इसके शिकारी जो है वो इसको जल्दी से पहचान लेंगे और इसको खत्म करते जाएंगे। अब इसकी, अब की बार इनकी संख्या कम होती जाएगी और इनकी संख्या बढ़ जाएगी। जरा खुद सोचिए, प्रकृति ने इन दोनों कंडीशंस में किसकी का चयन किया था? इस वाली कंडीशन में इसका चयन किया प्रकृति ने, क्योंकि ये अपने आप को ढाल लिया था इसने इस वातावरण में, कलर इसका ऐसा था, लेकिन इसमें नहीं ढाल पाया, ये ढल रहे थे, तो प्रकृति ने इनका चयन किया, इनकी संख्या बढ़ गई। इनका नहीं किया, इनकी संख्या कम हो गई, डन। तीसरी कंडीशन, औद्योगिकी
संस्करण के पश्चात, औद्योगिकीकरण के पश्चात। अब आप मुझे बताएंगे जब औद्योगिकीकरण हुआ था इंडस्ट्रियों से, उद्योगों से क्या निकल रहा था? धुआं निकल रहा था। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज भी मॉडिफाइड हो रही थी। पहले पुराने जो उद्योग जो हुआ करते थे, आपने देखा होगा पुराने उद्योगों में धुएं निकलते थे, कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। लेकिन आधुनिक उद्योग जो होते हैं उनमें बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा सोचिए, औद्योगिकीकरण के पश्चात जो आधुनिक उद्योग होंगे, आधुनिक इंडस्ट्रीज होंगी, उन आधुनिक उद्योगों में बिजली का इस्तेमाल होएगा, कोयले का इस्तेमाल थोड़ा ना होएगा। और बिजली का अगर इस्तेमाल होएगा तो धुआं फिर कम हो जाएगा, धुआं नहीं रहेगा। समझना, जब तक औद्योगिकीकरण नहीं हुआ तब तक धुआं नहीं था, औद्योगिकीकरण हुआ और उसमें ऐसे उद्योग आए, प्राचीन उद्योग, जिसमें धुआं निकल रहा था, कोयले को जलाया जा रहा था, धुआं निकल रहा था, तना काला हो गया। फिर उसके बाद में ऐसे आधुनिक उद्योग आए जिसमें कोयले को जलाया नहीं जा रहा था बल्कि बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो धुआं फिर नहीं निकलेगा। जब धुआं नहीं निकलेगा तो वापस से तने कैसे हो जाएंगे दोस्त? फिर से ये तने आपके भूरे रंग के हो जाएंगे। सर काला दिखा दिया आपने, मैंने कहा रुक जो अभी दिखा रहा हूं। कैसे हो जाएंगे सर? भूरे रंग के हो जाएंगे। भूरे रंग के तने हो गए। फिर से तने फिर से कैसे हो गए? भूरे रंग के हो गए। पहले भूरे थे, फिर वापस, फिर काले हुए, फिर वापस से भूरे हो गए। ठीक है, अब आप खुद कॉमन सेंस लगाएं, इस कंडीशन में आपके वापस से वही कार्बोनेरिया, बिस्टन बेटुलेरिया, फिर से वापस से वही कंडीशन आ गई, कार्बो नेरिया बिस्टन बेटुलेरिया, ये भूरा, ये काला, फिर वापस से तना जो है कैसा हो गया? भूरा हो गया। क्यों भूरा हो गया भैया? धीरे धीरे धुआं हटने लग गया, धुआं खत्म होने लग गया, तो जो पेड़ आएंगे उनके तने वापस से कैसे हो जाएंगे? भूरे रंग के होंगे। तो फिर कौन छुप जाएगा उनकी आड़ में? सर ये छुप जाएगा, इसकी संख्या फिर वापस से बढ़ जाएगी और इनकी संख्या फिर वापस से कम हो जाएगी, अपने शिकारियों की नजर में आ जाएंगे। तो इस बार फिर से प्रकृति ने इनका चयन कर लिया। तो देखिए ना, आपके सामने है, पहले प्रकृति ने इनका चयन किया, फिर इनका चयन किया, फिर इनका चयन कर लिया वापस से। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक चयन है। ये प्राकृतिक चयन जो है, ये उदाहरण जो था, यही था आपका क्या? औद्योगिक कृशणता, इंडस्ट्रियल मेलनिज्म। बस यही आपको समझाना था। डन, क्लियर है? ये तीन चरण याद रखना जो मैंने आपको समझाए हैं। खत्म हो गया आपका ये नव डार्विन वाद, पूरा का पूरा नव डार्विन वाद आपका खत्म हो चुका है। अब जाकर डार्विन वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब जाकर आपका पूरा नव डार्विन वाद कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है हार्डी विनबर्ग, हार्डी विनबर्ग नियम, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। और ये कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, केवल सूत्र है और कुछ नहीं, केवल एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं। देखिए, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बहुत सीधी सी बात बोलता है। हार्डी विनबर्ग दो वैज्ञानिक है, उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया। क्या नियम प्रस्तुत किया, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला, हार्डी विनबर्ग ने, कि भैया अगर, ध्यान से सुनना, अगर ये कंडीशंस ना हो, क्या अगर ये कंडीशंस ना हो, ना हो, कौन कौन सी? प्राकृतिक चयन ना हो, आनुवांशिक पुनर्योजन ना हो,
उत्परिवर्तन ना हो, अनुवांशिक विचलन ना हो, जीन पलायन जीन प्रवाह ना हो, यानी ये कंडीशंस अगर नहीं होती हैं, ये कंडीशंस अगर नहीं होती, यानी कुल मिलाकर कोई भी ऐसी परिस्थिति ना हो जिससे विभिन्नताएं आए, है ना, ये कंडीशंस अगर ना हो तो क्या होगा? तो भाई साहब ध्यान से सुनना, क्या किसी भी जीन में बदलाव नहीं होगा? ये बोला इन्होंने, क्या कोई भी जीन जो है वो चेंज नहीं होएगा? तो सर इसमें कौन सी नई बड़ी बात है भाई? यही तो प्रक्रियाएं थी जो चेंज लेकर आ रही थी। सोचो, जीन पुनर्योजन से चेंज नहीं आया था, उत्परिवर्तन से नहीं आया था, विचलन अनुवांशिक विचलन जेनेटिक ड्रिफ्ट से चेंज नहीं आया था, प्राकृतिक चयन से चेंज नहीं आ रहा है। यानी ये वो कंडीशंस हैं जो चेंज लेकर आती है। अब हार्डी विनबर्ग बोल रहे हैं कि भाई साहब अगर ये कंडीशंस होएंगी ना तो जीन जो है उसमें फर्क आएगा। ऑब्वियस ही बात है, जीन की आवृत्ति में जीन के जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उसमें फर्क आएगा। यानी ये कंडीशंस जो हैं ये जीन के कार्य को प्रभावित करेंगी। यस, ये वो कंडीशंस है जो एक जीन के कार्य को प्रभावित करती है। ये हार्डी विनबर्ग ने बोला, खत्म, डन। अब ध्यान से पढ़, मीनिंग समझ में आया, क्लियर है? अब इधर देख क्या लिखा हुआ। किसी जीव संख्या में, जीव संख्या यानी लोगों का समूह जो है, जीव संख्या में किसी जीन, या तो कोई जीन है ना, या उसका जो युग्म विकल्पी अलील जो होता है, दो जीन होते हैं ना, दो जीन, कैपिटल ए कैपिटल ए, युग्म विकल्पी है कैपिटल ए स्मॉल ए, युग्म विकल्पी है स्मॉल ए स्मॉल ए, युग्म, या तो कोई जीन या युग्म विकल्पी जो है के प्रकट होने की आवृत्ति स्थिर रहती है, बदलती नहीं है। क्या एक जीव है उसके अंदर एक जीन है कैपिटल ए, अगली पीढ़ी में भी वही जाएगा, यानी स्थिरता बनी रहेगी। कब तक? अगर ये ना हो, यानी ये कंडीशंस प्रभावित करती हैं हार्डी विनबर्ग की, ये जो नियम उसने दिया कि भैया अगर ये ना हो, ये कंडीशंस ना हो तो जीन जो है वो स्थिर रहते हैं, जीन में कोई बदलाव नहीं आता है, वो अगली पीढ़ी में यूं के यूं चले जाते हैं। ये बोला उन्होंने, डन, मीनिंग आ गया समझ में? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समान रहती है, यानी स्थिरता बनी रहती है, जो जीन है वही के वही चले जा रहे हैं। कब तक? जब तक अगर ये कंडीशंस ना हो, डन। अगर ये रहेंगी, अगर इनमें से कोई कंडीशन ने काम किया, तो क्या जीन की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो वो जा रहा था, जिस आवृत्ति से वो जा रहा था, क्या वैसा ही जीन जाएगा? अगर मान लो अगर उत्परिवर्तन हो गया तो क्या वो जीन स्थिर रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा ना। तो हार्डी विनबर्ग बोल रहा है कि भैया कि जीन जो होता है वो स्थिरता के साथ में कॉन्स्टेंटली समान रूप से जाता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। कब तक? जब तक ये पांच कंडीशंस प्रभावित ना करें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहला बिंदु। दूसरा, यह नियम कहता है, क्या कहता है, कि यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक का मतलब क्या था? रेंडम, याद आ रहा है? यादृच्छिक का मतलब क्या था? रेंडम। रेंडम मतलब कुछ भी, अचानक से। यह नियम कहता है अचानक से संगम करने वाले कोई भी, अचानक से संगम करने वाले यानी मीटिंग कर रहे हैं दो जीव, किसी जनसंख्या में अलील आवृत्तियां स्थिर होती हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी नियत बनी रहती है। जीन कोश जीव संख्या में उपस्थित कुल जीन तथा उनके युग्म विकल्पी सदैव अपरिवर्तनीय रहते हैं, इसे आनुवांशिक संतुलन कहते हैं। सभी अलील आवृत्ति का योग एक होता है। क्या सर, समझ में नहीं आया? इसने बोला कि मान लो एक कुत्ता है, समझना, एक कुत्ता है ब्लैक और एक मादा कुत्ता है, कुतिया, वो भी ब्लैक है। ठीक है, रेंडमली मान लो, रेंडमली एक जो है वो रहता था, मान लेते हैं राजस्थान में रहता था, और एक जो है वो रहता था, मान लेते हैं बिहार में रहता था। चलते चलते हाईवे से चलते 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 दोनों आकर मिल गए,
रेंडमली हो गया, रेंडम कंडीशन हो गई, रेंडमली वो वहां राजस्थान से आ रहा था चलते चलते, ये बिहार से आ रही थी चलते चलते, ठीक है, दोनों के दिल से दिल टकर, पहले आंखों से आंखें टकराई, दिल से दिल टकरा गए, ठीक है, दोनों में प्यार व्यार हो गया, अब दोनों ने क्या कर लिया, संगम कर लिया, मीटिंग कर ली, कर ली। अब उस मीटिंग से जो बच्चे पैदा होंगे, उन बच्चों के अंदर उनके गुण आएंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं हार्डी विनबर्ग, उन्होंने क्या कर ली, मीटिंग कर ली, रेंडम मीटिंग हो गई, जान पूछ कर तो नहीं आए ना कि चलो राजस्थान वाला जो है वो चलते चलते जा रहा हाईवे पे कि आ हाँ बिहार वाली जो मादा कुत्ता है वो मिलेगी, या जो बिहार से जो मादा कुत्ता निकली है वो जान पूछ कर तो नहीं निकली कि राजस्थान से आ रहा होगा कोई, अरे भैया रेंडमली आ रहे थे, मिल गए, मीटिंग हो गई। अब उस मीटिंग से जो बच्चे आ रहे, बच्चे जो उत्पन्न हो रहे, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएंगे, जो लक्षण उनके माँ बाप में है वही के वही लक्षण उनके अंदर जाएंगे, यानी आनुवांशिक रूप से स्थिरता रही, कोई चेंज आया, कोई बदलाव आया, नहीं आया ना, इस कंडीशन को हार्डी विनबर्ग ने बोला आनुवांशिक संतुलन बना रहेगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन आप जानते हैं क्या ऐसी बात सही, क्या ये बात सही है, जरा सोचिए, कोई दो जीव लैंगिक जनन कर रहे हैं, क्या अगली पीढ़ी में विभिन्नताएं नहीं आती, स्थिरता रहती है? अरे भैया ये तो होकर रहता है ये, अरे भैया युग्मक बनाने के दौरान ये तो होता ही है, जीन विनी में तो होएगा, और जीन विनी में होएगा तभी तो हम बोलते हैं लैंगिक जनन में क्या आती है विभिन्नताएं, ये बोल रहे नहीं बाबू नहीं, विभिन्नताएं नहीं आएंगी, अगर रेंडम मीटिंग होगी, यादृच्छिक रूप से कोई संगम करेगा तो वही के वही लक्षण माता पिता के अगली पीढ़ी में आ जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये बोल रहे हैं नहीं ऐसा होता है। कब होता है? अगर ये ना हो, ये भी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये तब होएगा, सुन, ये आनुवांशिक संतुलन तब होएगा, या मैं बोलूंगा ये आनुवांशिक रूप से वो समान होएगी अपने माता पिता के, वो बच्चा जो रेंडम मीटिंग करेंगे, यादृच्छिक रूप से संगम कर लिया उन्होंने, उनके लक्षण उनके बच्चों में होंगे, तब होंगे, जब ये ना हो, ये साफ साफ बोल रहे कि भाई साहब ये नहीं होएंगे ना तो होएगा ये काम, तो वो तो हम भी जानते हैं यार, यही तो कंडीशन से जो विभिन्नताएं लाती है, इसमें नया क्या बता दिया हार्डी विनबर्ग ने, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं कि अगर ये कंडीशंस होंगी तो विभिन्नता आएंगी। हार्डी विनबर्ग बोल रहे कि भैया अगर ये कंडीशंस ना हो तो विभिन्नताएं नहीं आएंगी, ऑब्वियस ही बात है, यही तो कंडीशन है जो विभिन्नताएं ला रही हैं, बस खत्म। आगे देखो, प्रश्न जो पूछा जाता है ना हार्डी विनबर्ग से, वो पूछा जाता है उसके उसके फॉर्मूले पर, ध्यान से सुनना, यहां पर पी प्लस क्यू हमेशा याद रखना वन होता है, क्या सर, P प्लस क्यू हमेशा याद रखना वन होता है। अब आप बोलेंगे सर P क्या है, पूछेंगे ना सर ये P क्या है, प्रभावी अलील जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, और Q जो है वो अप्रभावी अलील की आवृत्ति है, प्रभावी अलील यानी ये प्रभावी अलील जो होता है या प्रभावी जीन जो होता है, अलील क्या था, जीन ही तो, प्रभावी अलील की आवृत्ति को बता रहा है, प्रभावी अलील की आवृत्ति को बता रहा है, याद रखना हार्डी विनबर्ग ने बोला हमेशा प्रभावी और अप्रभावी अलील की आवृत्ति बराबर रहेगी, कितनी होगी, वन होगी, इक्विलिब्रियम बना रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, प्रभावी और अप्रभावी अलील बराबर रहेंगे, किसके बराबर होंगे, वन के बराबर होंगे, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को आगे, और ये जो P plus Q is equals to 1 है, इसको और आगे द्विपद इसका निकाला गया, द्विपद यानी इसका क्या निकालेंगे, देखिए इसका द्विपदीय विस्तार किया गया, अब द्विपदीय विस्तार ये किया, समझ में आया क्या किया, समझ में आया क्या किया हमने, P प्लस क्यू इज इक्वल टू वन था, हाँ हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब आप फॉर्मूला अच्छे तरीके से जानते हैं, P प्लस क्यू का स्क्वायर क्या होएगा सर, P स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर वन, यही तो होएगा भाई साहब,
इतनी गणित तो मेरे को भी आती है थोड़ी सी, बाइनोमियल थ्योरम याद आ रही होगी है। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहां पर ये पी स्क्वायर किसको बता रहा है, क्यू स्क्वायर किसको बता रहा है और टू पी क्यू किसको बता रहा है? तो कैपिटल ए जीनोटाइप वाले जो जीव होंगे, कौन से, देख लिखा भी हुआ है, कैपिटल ए जीनोटाइप वाले जो जीव जो होंगे उनको हम दर्शाएंगे किससे, पी स्क्वायर से। जिनका भी जीनोटाइप प्रभावी और संयुग्मन जी होएगा, याद आ रहा है ये वर्ड, प्रभावी संयुग्मन जी, कैपिटल ए। अगर ये नहीं आ रहा तो कैपिटल टी कर दूं, इससे याद आ जाएगा, हाँ इससे याद आ जाएगा है? जिनका भी जीनोटाइप अप्रभावी संयुग्मनज होएगा उसको दर्शाया जाएगा किससे, क्यू स्क्वायर से। और जिनका भी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप होएगा, यानी होएंगे तो प्रभावी लेकिन विषम युग्मनजी, तो विषम युग्मनजी जीनोटाइप को दर्शाया जाएगा इससे, संयुग्मनजी प्रभावी को इससे, और संयुग्मनजी अप्रभावी को इससे। ये याद रखना है आपने, बस इतनी सी बात। इस समीकरण का द्विपदीय विस्तार कुछ इस तरीके से किया हमने, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन, जहां पर पी स्क्वायर जो है किस चीज को बता रहा है, कैपिटल ए जीनोटाइप वाले जीवों की आवृत्ति को बता रहा है, क्यू स्क्वायर जो है वो स्मॉल ए जीनोटाइप वाले जीवों की आवृत्ति को बता रहा है, टू पी क्यू जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए यानी आपकी विषम युग्मनजीय प्रभावी जीनोटाइप वाले जीवों की आवृत्ति को बता रहा है। तो यहां से इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना, भूलना नहीं है। बताइए यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? अब आप यही तो पूछेंगे कि सर यहां तक तो ठीक है, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? देख नीचे लिखा जो हुआ उसको समझने से पहले जरा सोचिए, फॉर्मूला तेरे को समझ में आया? ये फॉर्मूला बोल रहा है कि जितने भी ये जीनोटाइप वाले होंगे प्रभावी संयुग्मन जी, जितने भी ये जीनोटाइप वाले होंगे अप्रभावी संयुग्मन जी, जितने भी ये जीनोटाइप वाले होंगे विषम युग्मन जी प्रभावी, ये सारे के सारे बराबर वन हो जाएंगे, जितने भी होंगे सब इक्वल संख्या में होंगे, वन होंगे ये टोटल, जितने भी होंगे ये सारे के सारे समान संख्या में होंगे। अब बात आ रही है क्या, अगर कब होंगे ये वन, कब होएगी ये सारे के सारे वन, कब होंगे ये सारे के सारे इक्वल, कब होंगे? यू मान ले इस पृथ्वी पर जितने भी ये हैं हार्डी विनबर्ग बोल रहे हैं, जितने ये वाले जीनोटाइप वाले हैं प्रभावी संयुग्मन जी, जितने भी अप्रभावी संयुग्मन जी, जितने भी प्रभावी विषम युग्मन जी हैं वो टोटल वन है, सारे के सारे इक्वल है ये सारे के सारे इक्वल है, जितने ये उतने ये। ये यू बोल रहा है कि मान ले एक जगह है जहां पर 100 लोग हैं, या एक जगह है जहां पर 90 लोग हैं, तो ये भी 30 हैं, ये भी 30 हैं, ये भी 30 हैं, इस तरीके से, यानी जितने ये इतने ये इतने ये बराबर संख्या में होंगे ये तीनों के तीनों जीनोटाइप वाले जीव, है ना। अब कब होंगे ये बराबर, कब होंगे, जब जीन स्थिरता रहेगी। अगर जीन में बदलाव आएगा, कैसे आएगा जीन में बदलाव, इन कंडीशंस के कारण, अगर जीन की आवृत्ति में बदलाव आ गया, जीन स्थिर रह पाएगा, नई चेंजेस आएंगे, तो उसके कारण ये फॉर्मूला नहीं होएगा। हो सकता है ये ज्यादा हो जाए, हो सकता है ये ज्यादा हो जाए, हो सकता है ये ज्यादा, कोई भी ज्यादा हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बोल रहा है। अब आया, अब पढ़ दे कि यहां पर क्या लिखा हुआ। तो ये समीकरण जो है ये कब लागू होगी, जब कोई जीव रेंडम मेटिंग कर रहा है, रेंडमली संगम कर रहा है ना, और ये लक्षण जो प्रभावित करते हैं, अगर ये ना हो तो जितने भी प्रभावी हैं, जितने भी अप्रभावी हैं, चाहे वो संयुग्मनज है, चाहे वो विषम युग्मनज है, सारे के सारे
बराबर होंगे, इक्वल संख्या में होंगे। अगर ये समीकरण में बदलाव आता है तो वो कब होएगा? हार्डी विनबर साम्यता में विभिन्नता आती है वो कब होएगा? जीन की आवृत्ति में विभिन्नता आती है, परिवर्तन आता है, वो कब होएगा? जब ये लक्षण उसको क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे, खत्म। ये है हार्डी विनबर प्रिंसिपल। इसी को ही बच्चे पता नहीं काहे समझ नहीं पाते हैं। सिंपल सा कि भैया अगर ये होएगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होएगा। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? जितने प्रभावी उतने अप्रभावी, जितने संयुग्मन जी उतने विषमयुग्मन जी, इक्वल है सारे के सारे। कब? जब ये ना हो। अरे हम तो जानते हैं भाई साहब, यही तो बदलाव लाते हैं। खत्म। ये था बेटा जी आपका यहां तक की बात। आई होप यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब इस चैप्टर का आखिरी चौथा भाग है और वो है आपका मानव विकास। क्या है मानव विकास? जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, आज फिर दिखा देता हूं, वापस से दिखा रहा हूं, देखते हैं आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। पहले भी दिखाया था ना? हाँ सर। किसकी बात करने वाले हैं? मानव विकास की बात करने वाले हैं, मानव के विकास की बात करने वाले हैं। इस तरीके से हमारा विकास हुआ है कि नहीं हुआ, है ना? देख रहे चिंपैंजी गोरिल्ला जैसा कुछ, फिर धीरे 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 जिजू हमारे जैसा, है ना? सो किसकी बात कर रहे बेटा हम यहां पर? मानव विकास की बात करने वाले हैं। किसका? मानव का विकास, हमारा विकास, हमारे विकास की बात करने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। मैं सारी की सारी चीजें लिख कर लाया हूं, आप सीधा सीधा पढ़ेंगे और खत्म करेंगे इसको, मानव विकास को। देखिए ह्यूमंस के इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो चरण बाय चरण आपने चीजें याद रखनी है। एक काम करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारी चीजें जो लिखी हुई है, ये सब कुछ एक एक पेज पर लिख देता हूं मैं, ठीक है? एक पेज पर लिख देता हूं। मेरे यहां पर लिखा हुआ है प्रोकंसल ड्रायोपिथिकस, प्रोकंसल ड्रायोपिथिकस, फिर ठीक है। डिटेल में बताऊं? ज्यादा डिटेल में वैसे जाने की जरूरत है भी नहीं। चलो लिख रहा हूं मैं, सिर्फ एक चार्ट बना रहा हूं, अगर चार्ट याद रख लेना इस चार्ट को। प्रोप लियो पी थीकस, प्रोपलियोपी थीकस, प्रोपलियोपिथिकस से प्रो कंसल, प्रो कंसल, प्रो कंसल से रामापिथिकस, रामापिथिकस लिखा हुआ है यहां पर, देख लेते हैं एक बार। रामापिथिकस ड्रायोपिथिकस लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है, रामापिथिकस लिखा हुआ है, रामापिथिकस। एक सेकेंड, स्पेलिंग में आर ए एम ए पी आई है, ठीक है, पी आई। रामापिथिकस, ठीक है, सही लिखा है ऊपर, और इधर ड्रायोपिथिकस, डी आर ए वाईओ ड्रायोपी, ठीक है। अंग्रेजी में लिखना है, मेरी अंग्रेजी भी ना हिंदी के जैसी है बिल्कुल। रामापिथिकस, शिवापिथिकस, केनियापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस,
होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस के बाद इधर कर देता हूं मैं, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस। देखो भैया, अच्छा एक और चीज तो रहेगी, ये जो होमो इरेक्टस है इसके अंतर्गत तीन प्रकार के मनुष्यों को रखा गया, नियंडर आपका जावा मैन, जावा मैन, पीकिंग मैन, और हेडलबर्ग मैन। सिमिलरली होमो सेपियंस जो है इस समूह के अंतर्गत आपके तीन प्रकार के मनुष्यों को रखा गया, नियंडरथल, क्रोमैग्नॉन और होमो सेपियंस, सेपियंस ये हम है, ये है हम। पहले तो एक बार विकास का क्रम देखते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना, समझिएगा। इस पृथ्वी पर हमारा विकास देखने वाले हैं, मनुष्य का विकास, एक्चुअली आधुनिक मनुष्य हम हैं, ये कौन है आधुनिक मनुष्य, हमारा वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो हमारा इवोल्यूशन अगर हमें देखना है, हमारा विकास अगर देखना है, तो सबसे पहले हमने देखा हमारे एक ऐसे पूर्वज जो कपि थे, वन वानर मनुष्य थे, या कपि बोलते थे कपि, ठीक है। कपि मैंने आपको बता दिया है पहले भी, कपि का मतलब वो जिनका आकार बड़ा था बंदरों से और जिनमें पूंछ नहीं हुआ करती थी, वो कौन थे आपके, प्रोपलियोपिथिकस। प्रोपलियोपिथिकस से आए फिर प्रोकंसल, प्रोकंसल जो है इनसे उत्पत्ति हुई किसकी, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। ये भी कपि के समान है, ये भी कपि के समान है, लेकिन ये पेड़ों पर रहते थे और ये जमीन पर आ गए थे। तो हमारे पूर्वज जो है वो किसे कहा जाता है, हमारे जो पूर्वज जो है वो ये कौन, रामापिथिकस, मनुष्यों के जो पूर्वज जो है, आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज, आधुनिक मानव के पूर्वज जो हैं कौन है बेटा, रामापिथिकस। और आधुनिक कपि जो है, आधुनिक कपि जो है, आधुनिक कपि जैसे गोरिल्ला है, चिंपैंजी, ये जो आधुनिक कपि जो है, वर्तमान में जो कपि जो मिल रहे हैं, उनके पूर्वज किसको बोला जाता है, आधुनिक कपि के जो पूर्वज जो है वो कौन है आपके, ड्रायोपिथिकस। क्योंकि ये जो थे ये पेड़ों पर रह गए थे और ये जो है ये जमीन पर आए थे। फिर रामापिथिकस से कौन आए, शिवापिथिकस, फिर केनियापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बाद कौन आए, होमो इरेक्टस। और ये होमो इरेक्टस जो थे ये तीन प्रकार के थे, पहले जावा मैन, दूसरे पीकिंग मैन, तीसरे हेडलबर्ग मैन। फिर हेडलबर्ग मैन जो तीसरा प्रकार था होमो इरेक्टस का, उसके बाद कौन आए, होमो सेपियंस आए। होमो सेपियंस में सबसे पहले कौन आए, नियंडरथल मैन आए, फिर क्रोमैग्नॉन आए, और फिर वर्तमान में आधुनिक मानव हम आए। तो हमारे विकास का क्रम क्या कहलाएगा, हमारे विकास का
प्रोपियोपिथिकस प्रोकंसल रामापिथिकस शिवापिथिकस केनियापिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस में पहले जावा मैन फिर पीकिंग मैन फिर हेडलबर्ग मैन फिर होमो सेपियंस में नियंडरथल मैन क्रोमैग्नोन मैन होमो सेपियंस सेपियंस ये हमारा विकास का क्रम है। कैसा लगा? अच्छा लगा? हमारी एनसीईआरटी में बिल्कुल भी कतई समझा नहीं रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, यही क्रम यहां पर दिखाया हुआ बताया हुआ है। देखिए मानव विकास की बात करते हैं तो हमारे जो जीवाश्म मिले हैं उन जीवाश्मों की हम देखें तो हमारे पूर्वज जो हैं लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस नाम के प्राइमेट्स उपस्थित थे। इनका शरीर बालों से भरपूर था, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे ऐसे ऐसे, ठीक है। सबसे पहले प्रोकैंसल या जिनसे ड्रायोपिथिकस आए और फिर रामापिथिकस आए थे, ठीक है। ये क्या थे? एक तरीके के मानव और कपियों के सम्मिलित पूर्वज थे प्रोकंसल, ठीक है, जिसमें से ड्रायोपिथिकस को हम क्या बोले थे याद कर, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आधुनिक युग के जो कपी हैं उनके पूर्वज माना जाता है किसको? ड्रायोपिथिकस को। जबकि रामापिथिकस जो थे मानव का पूर्वज माना जाता है, क्यों? क्योंकि ड्रायोपिथिकस के समान तो थे परंतु ये ज्यादातर समय जमीन पर व्यतीत करते थे। कौन? रामापिथिकस जो पहले आए थे, फिर शिवापिथिकस, केनियापिथिकस। तो ये जीवाश्म जो है हालांकि इनके भारत में तो मिले थे, इसके केनिया में मिले थे, ये जो है इनके जीवा ये जो है ये ज्यादातर समय अपना जमीन पर व्यतीत कर रहे थे ये, और ड्रायोपिथिकस जो है ये अपना किस पर व्यतीत कर रहे थे बेटा जी? अपना पेड़ों पर व्यतीत कर रहे थे। लिखा हुआ, ये देखो लिखा हुआ, जंगलों में रहते थे, अधिकांश समय वृक्षों पर व्यतीत करते थे। जबड़े इनके यू आकार के, हमारे कैसे होते हैं? हमारे जबड़े ऐसे होते हैं कि ऐसे होते हैं? सर हमारे सी आकार के होते हैं, कपियों के यू आकार के होते हैं। तो इनके जबड़े जो थे वो यू आकार के थे, दांत नोकीले थे, लेकिन ये शाकाहारी हुआ करते थे, घने बाल होते थे, शरीर इनका अर्ध ऊर्ध्व होता था, ऊर्ध्व का मतलब सीधा खड़ा नहीं होता, ऐसे होता था, ऐसे चलते थे, ठीक है, डन, ओके। फिर रामापिथिकस आगे, फिर शिवापिथिकस आगे, केनियापिथिकस आगे, मैंने आपको बता दिया था, डन। रामापिथिकस को आधुनिक मनुष्य का पूर्वज माना जाता है, वही ड्रायोपिथिकस को आधुनिक जो कपी है, वन मानुष जो होते हैं, वानर कपी, इनका क्या बोला जाता है? ड्रायोपिथिकस को पूर्वज बोला जाता है, ठीक है। तो आज के बाद कभी मत कह देना कि भैया बंदर हमारे पूर्वज है। नहीं भाई, बंदर जो है उन बंदरों के पूर्वज ड्रायोपिथिकस, कपियों के पूर्वज ड्रायोपिथिकस, उन कपियों से ही कपियों का मॉडिफिकेशन हुआ था, तब जाकर बंदरों का निर्माण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब है कपी मानव जीवाश्म। अब इसके बाद कौन आए थे भैया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, भूलना नहीं है। रामापिथिकस लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस लिखा हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है ये जो है इनका एक 5 साल का बच्चा था, उसका जीवाश्म मिला था ऑस्ट्रेलोपिथिकस का, जो एक वैज्ञानिक थे रेमंड डार्ट थे, उन्होंने एक क्षेत्र है साउथ अफ्रीका में टुआंग एक जगह है, कहां पर? साउथ अफ्रीका में, वहां पर चट्टानों में एक 5 से 6 वर्ष के बच्चे के खोपड़ी का जीवाश्म मिला था, जिसे इसे नाम टुआंग बेबी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? टुआंग बेबी। बाद में इसका नाम जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रीकेंस नाम दिया गया था। बाद में इसको क्या नाम दिया गया था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम दिया गया था, ठीक है। ये कहां पर मिल रहे थे बेटा जी? पूर्वी अफ्रीका की घास में मिलते थे। पूर्वी अफ्रीका जो है ना, ईस्टर्न अफ्रीका जो है, वहां पर ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो मिला करते थे। 2 मिलियन वर्ष पूर्व पहले मिला करते थे, घासी मैदानों में मिला करते थे। और ये जो है ये पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, लेकिन खाते ये फल थे ये शाकाहारी, लेकिन ये शिकार करते थे, अपनी आपकी प्रोटेक्शन करते थे, पत्थरों से शिकार करते थे, डन। अब इन्हें ना आज के मनुष्य और कपियों की संयोजी कड़ी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर किसके अंदर? ऑस्ट्रेलोपिथिकस के अंदर दोनों के लक्षण थे। किसके? जो आधुनिक मनुष्य उनके भी लक्षण थे और जो कपी हैं उनके भी लक्षण थे। सर कपियों के कौन से लक्षण थे और मनुष्य के कौन से लक्षण थे? मैंने कहा ये देखो, कपियों के लक्षण थे इनकी कपाल क्षमता जो थी वो 600 सीसी थी। ये क्या होती है अभी बताऊंगा, रुक जाना, अभी सिर्फ इतना याद रखना इनकी कपाल क्षमता 600 सीसी होती है। हमारी कितनी होती है? 1450 सीसी होती है। हमारी कपाल क्षमता ज्यादा होती है। चलो बताई देता हूं, कपाल क्षमता का मतलब क्या होता है। ये खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी, इसको हम बोलते हैं कपाल।
और इस कपाल के अंदर क्या होता है, मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क को धारण करने की क्षमता जो होती है उसको हम बोलते हैं कपाल क्षमता। अब जिसका मस्तिष्क बड़ा होएगा उसकी कपाल क्षमता भी ज्यादा होगी, है ना। इंटेलिजेंसी से कोई मतलब नहीं है, मस्तिष्क का आकार बड़ा होएगा तो ऑब्वियस ही बात है कपाल का आयतन भी ज्यादा होएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 600 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन था एक तरीके से बोल देंगे कपाल का, किसको धारण करने का, मस्तिष्क को धारण करने की जो क्षमता जो होती है उसे हम बोलते हैं कपाल क्षमता। कितनी थी, 600 सीसी, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। डन। ये कम है, हमारी क्या है ज्यादा है, 1450 है। तो कपियों की कम होती है, तो ये कपियों का लक्षण है क्या, इनकी कपाल क्षमता कम थी। शरीर पर घने बाल थे, हमारे अंदर होते हैं क्या शरीर पर घने बाल, नहीं ना, इनके ऊपर थे। यू आकृति के जबड़े थे, ऐसे जबड़े जो यू आकृति के होते हैं उनको बोलते हैं प्रोग्नेथस। हमारे कैसे होते हैं सी आकृति के, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्नेथस। अभी लिखाएगा मिल जाएगा ये वर्ड। तो यू आकृति के इनके अंदर जबड़े थे, ऐसे यू आकृति के जबड़ों को हम क्या बोलते हैं प्रोग्नेथस चेहरा, और जो सी आकृति के होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्नेथस चेहरा। लंबे और नोकीले दांत हमारे होते हैं क्या, नहीं। तो ये लक्षण थे कपियों के। तो हमारे कौन से लक्षण थे ऑस्ट्रेलोपिथीकस में, तो याद रखना ये वो पहले हमारे पूर्वज थे जिन्होंने सीधा खड़ा होकर चलना स्टार्ट किया था। इनसे पहले जितने भी थे वो ऊर्ध्व अर्ध ऊर्ध्व थे, यानी यू 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 चलते थे, दोनों हाथ और दोनों पैर से चलते थे। समझ में आ गया, ऐसे। ये वो पहले थे जिन्होंने बाईपैडल लोकोमोशन दर्शाया। बाईपैडल का मतलब दो पैरों पर चलना स्टार्ट किया था, हाथों का इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने चलने के लिए। तो इन्होंने, याद रखना भूल ना जाइएगा, इन्होंने सीधे खड़े हुए थे और द्विपादीय गमन, बाईपैडल लोकोमोशन, बाईपैडल लोकोमोशन यानी कैसा गमन, दो पैरों पर चलना, दो पैरों पर चलना स्टार्ट किया था किसने, इन्होंने। अब आप मुझे बताएं, गोरिल्ला चिंपैंजी आपने देखे, कपी होते ना, कैसे चलते, ऐसे चलते। ये वो पहले थे हमारे पूर्वज जिन्होंने सबसे पहले सीधे खड़े होकर चलना स्टार्ट किया, मतलब सीधे खड़े मतलब दो पैरों पर चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। पूर्ण ऊर्ध्व शरीर था, उससे पहले वाले कैसे थे, ये ऊर्ध्व शरीर सीधा, अर्ध ऊर्ध्व का मतलब ऐसे झुका हुआ। तो इनसे पहले जो थे वो अर्ध ऊर्ध्व थे, ये देख लिखा हुआ कैसे थे, अर्ध ऊर्ध्व थे, आधे झुके हुए थे, ये झुके हुए नहीं है, बिल्कुल सीधे। अग्रपाद पश्चपाद से छोटे हैं। आप कभी कपी को देखना, किसी गोरिल्ला को देखना, उसके हाथ जो होंगे ना वो पैरों से बड़े होंगे। हाँ, देखना किसी कपी को देखना, किसी चिंपैंजी को देखना, उसके हाथ ना पैरों से बड़े होंगे, लेकिन हमारे हाथ पैरों से क्या होते हैं, छोटे होते। तो इनमें हाथ जो थे वो पैरों से छोटे थे, ये हमारा लक्षण है, ठीक है। कशेरुक दंड स्पष्ट कटी वृक्त युक्त थी। कशेरुक दंड जो होती है हमारी पीछे जो होती है वर्टिब्रल कॉलम, सीधी खड़ी थी इस तरीके से। चलिए जी, ये मानव के लक्षण थे और ये कपियों के लक्षण थे, किसमें मिल रहे थे, ऑस्ट्रेलोपिथीकस में मिल रहे थे। याद रखना इनकी क्रेनियल क्षमता जो है, कपाल क्षमता 600 सीसी, ये याद रखना, भूलना जाना। टुआंग बेबी, ये याद रखना, टुआंग बेबी क्या था इनका, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथीकस जो है इनका जो पहला जीवाश्म मिला था वो 5 साल के बच्चे का मिला था, उसकी खोपड़ी मिली थी, कहां पर मिली थी, टुआंग जगह है साउथ अफ्रीका में, जिसे नाम दिया गया था टुआंग बेबी, बाद में नाम बदलकर ऑस्ट्रेलोपिथीकस बोला गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथीकस के बाद कौन आए थे, होमो हैबिलिस आए थे बेटा, कौन आए थे, होमो हैबिलिस आए थे, कौन आ गए थे ऑस्ट्रेलोपिथीकस के बाद। अब ऑस्ट्रेलोपिथीकस के बाद कुछ लक्षण मानव वाले बढ़ते जा रहे थे, तो कौन से आ जाएंगे, मानव के पूर्वज आते जाएंगे। अब कौन आए, होमो हैबिलिस आ गए, ठीक है। ये वो थे जिन्हें हम बोल सकते हैं मानव के समान पूर्वज थे, किसके समान पूर्वज थे, मानव के लक्षण अब बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। जिसने सबसे पहले शिकार करने के लिए पत्थरों और औजारों का उपयोग किया था, सबसे पहले पत्थरों का औजारों के रूप में प्रयोग किया था, इनको टूल मेकर मैन बोला जाता है या हैंडी मैन कहा जाता है, जिन्होंने शिकार करने के लिए, किसके लिए, शिकार करने के लिए, शिकार क्या, खाने के लिए, मांसाहारी थे, नहीं थे ये शाकाहारी, ये मांस नहीं खाते थे, कौन, होमो हैबिलिस, ये भी मांस नहीं खाते थे,
सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने पत्थरों के नोकीला किया, मतलब पत्थरों को औजारों की तरह यूज में लिया, शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार बनाना प्रारंभ किया था। शिकार क्यों करते थे? खुद की प्रोटेक्शन के लिए। थे ये शाकाहारी, ये मांस नहीं खाते थे। इनकी कपाल क्षमता 650 से 800 सीसी थी, याद रखना। कपाल क्षमता मस्तिष्क को धारण करने की क्षमता, ब्रेन को धारण करने की क्षमता 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर की मध्य थी। इनके जीवाश्म को एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर ली की, उन्होंने खोजा था 2 मिलियन वर्ष पूर्व। इनके क्या खोजा था? इनके जीवाश्म की खोज करी थी, ये गुफाओं में रहते थे। नेक्स्ट, होमो हैबिलिस के बाद कौन आए? होमो इरेक्टस आए। और मैंने आपको बोला था होमो इरेक्टस 3 प्रकार के हैं, जावा, पीकिंग, हेडलबर्ग। ठीक है, होमो इरेक्टस जो थे ये लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व पहले मिला करते थे। इनका मस्तिष्क थोड़ा सा बड़ा था, तो इनकी कपाल क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। देखो 650 से 800 सीसी थी, याद रखना। कपाल क्षमता मस्तिष्क को धारण करने की क्षमता, ब्रेन को धारण करने की क्षमता 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर की मध्य थी। इनके जीवाश्म को एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर ली की, उन्होंने खोजा था 2 मिलियन वर्ष पूर्व। इनके क्या खोजा था? इनके जीवाश्म की खोज करी थी, ये गुफाओं में रहते थे। नेक्स्ट, होमो हैबिलिस के बाद कौन आए? होमो इरेक्टस आए। और मैंने आपको बोला था होमो इरेक्टस 3 प्रकार के हैं, जावा, पीकिंग, हेडलबर्ग। ठीक है, होमो इरेक्टस जो थे ये लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व पहले मिला करते थे। इनका मस्तिष्क थोड़ा सा बड़ा था, तो इनकी कपाल क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। देखो लिखा हुआ ना, मस्तिष्क बड़ा था तो कपाल क्षमता बढ़ गई, कितनी? 900 सीसी। सबकी कपाल क्षमता आपने लिखनी है भैया नोट्स में। ठीक है, गुफाओं में रहते थे और ये थे जो संभवतः मांस खाते थे, इन्होंने मांस खाना स्टार्ट किया था। ठीक है, होमो इरेक्टस की 3 प्रकार की प्रजातियां हैं, कौन कौन सी है? सबसे पहली है जावा मैन, फिर उसके बाद है बेटा पेकिंग मैन, पेकिंग मानव, फिर उसके बाद है हेडलबर्ग मानव। यही मैंने आपको बताया था, देख ले कौन कौन से बताया था, जावा, पेकिंग, हेडलबर्ग बताया था ना। आइए सबसे पहले जावा मैन की बात करते हैं। जावा मैन जो है 1891 में जावा में एक जगह है, जावा एक जगह है जहां पर इसके जीवाश्म खोजे गए, इसलिए नाम भी क्या पड़ा? जावा मैन। ये आग का प्रयोग करते थे, याद रखना, सबसे पहले जिसने आग का प्रयोग किया था ये थे भैया, जिसने आग लगाई। आग लगाई मतलब आग का इस्तेमाल किया था, क्या करने के लिए? सुरक्षा के लिए और भोजन को पकाने के लिए। ठीक है, ये पत्थरों का और हड्डियों के औजार बनाते थे, पत्थरों के और हड्डियों के औजार बनाते थे। इनकी कपाल क्षमता 800 से 1000 सीसी के आसपास थी, यानी औसतन 900 सीसी थी। ये सर्वहारी थे, यानी ये शाकाहारी भी थे और साथ साथ मांसाहारी भी थे। ठीक है, और साथ साथ इनमें स्व जाति भक्षण भी पाया जाता था। स्व जाति भक्षण का मतलब जब एक जाति अपनी ही जाति को खा जाए, यानी ये अपने ही लोगों को खाते थे। जी, जैसे मान लो मैं तुम्हारा शिकार कर तुमको खा जाऊं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? स्व जाति भक्षी कहलाऊंगा, यानी अपनी ही जाति का भक्षण करने वाले। ठीक है, तो याद रखना, ऐसे मानव जो दूसरे मानव का शिकार कर सकते थे। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये थे जावा मैन। नेक्स्ट उसके बाद आए पीकिंग मैन। पीकिंग मैन जो थे इनको एक वैज्ञानिक है WC पाई, उन्होंने खोजा था, है ना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। मांस पकाने एवं सुरक्षा के लिए आग का ये भी प्रयोग करते थे। ठीक है, ये भी पत्थर व हड्डियों से बने हुए नुकीले हथियारों का प्रयोग करते थे। ओके, इनकी क्रेनियल क्षमता थोड़ी सी ज्यादा थी, इनकी कितनी थी? 900 थी जावा की, इनकी लगभग 1050 के आसपास इनकी क्रेनियल क्षमता थी। यह भी सर्वहारी थे और स्व जाति भक्षण भी इनमें पाया जाता था, यानी ये भी सर्वहारी थे, यानी शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे और अपनी जाति के जीवों के खा सकते थे ये भी, यानी ऑलमोस्ट सेम लक्षण है, बस फर्क इतना सा इनकी क्रेनियल क्षमता थोड़ी सी ज्यादा है। नेक्स्ट, हेडलबर्ग। इनका जीवाश्म जो है जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है हेडलबर्ग, वहां पर जो चट्टाने हैं वहां पर इनको इनके जीवाश्म मिले थे। किसके? हेडलबर्ग मानव के। ऐसा माना जाता है कि ये भैया कुछ समय बाद विलुप्त हो गए थे, थोड़े से समय के लिए रहे थे। कौन से? हेडलबर्ग। ज्यादा समय के लिए नहीं रहे थे। कौन से? कुछ ही समय बाद ये विलुप्त हो गए थे, ज्यादा लंबे समय तक ये नहीं टिक पाए थे। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आए? होमो सेपियंस। फाइनली
कौन आ गए हैं? होमो सेपियंस आ गए हैं। अब ये जो होमो सेपियंस जो थे, ध्यान से सुनना, ये जो होमो सेपियंस जो थे इनकी कितनी प्रजातियां हैं बेटा जी? इनकी हैं टोटल तीन प्रजातियां। सबसे पहले है नियंडरथल मानव, सबसे पहले कौन है? नियंडरथल, फिर उसके बाद क्रो मैग्नॉन और फिर उसके बाद हम आधुनिक मानव। तो तीनों को पढ़ते हैं, यही मैंने आपको बोला, सबसे पहले नियंडरथल, फिर क्रो मैग्नॉन, फिर उसके बाद आधुनिक, है ना? आइए, तो होमो सेपियंस में तीन उपजातियां खोजी गई हैं, जिसमें सबसे पहले नियंडरथल कितने साल पहले मिला करते थे? लगभग 1,00,000 से 40,000 साल पहले, आज से 1,00,000 साल या 40,000, 1,00,000 से 40,000 साल तक पहले, ठीक है, यानी लगभग 60,000 सालों तक ये रहे थे, 60,000 साल तक, समझ रहे? एक साल निकालना भारी पड़ जाता है, 60,000 सालों तक ये रहे हैं। कौन? नियंडरथल। किस पर? इस पृथ्वी पर। कहां पर? पूर्वी और मध्य एशियाई देशों में रहते थे। इनके जो जीवाश्म जो है वो एक वैज्ञानिक है फुलरॉट, उन्होंने खोजे थे जर्मनी में। जर्मनी में एक घाटी है जिसका नाम है नियंडरथल घाटी, उससे किए थे, उस घाटी से इनके जीवाश्म निकाले थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? नियंडरथल मानव पड़ गया। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं सर नियंडरथल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जर्मनी में एक घाटी है जिसका नाम है नियंडरथल घाटी, जहां पर इसके जीवाश्म निकाले गए, इसीलिए इनको हम नियंडरथल मानव बोलते हैं। चलो, इनका मस्तिष्क का आकार कितना है? लगभग 1400 सीसी है। लगभग कितना? लगभग जो आधुनिक मानव है ना, हमारे हमारे जितना माना जाता है। किसका? इनका। किसका? आपके नियंडरथल मानव का जो क्रेनियल क्षमता है वो लगभग 1400 सीसी के आसपास है, जो थोड़ी बहुत हमारे जितनी है। वैसे हमारी कितनी है? 1450 है, इनकी लगभग 1400 है। ये अपने शरीर की रक्षा के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे, जानवरों की खाल को अपने शरीर पर कपड़ों की तरह लपेट कर यूज में लेते थे। ये अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे, यस, ये अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। बहुत ही बढ़िया, याद रखना, सबसे पहले किसने गाड़ना स्टार्ट किया था मृतक को? इन्होंने। और आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे कि आत्मा अमर है इसलिए जमीन में गाड़ दो, ये सबसे पहले इन्होंने किया था। झोपड़ियों में रहते थे और सर्वहारी थे, झोपड़ियों में रहना स्टार्ट किया था, सर्वहारी थे। बोलने का केंद्र और भाषा को समझने का केंद्र जो होता है इनके मस्तिष्क में विकसित हुआ था। जैसे अभी मैं बोल पा रहा हूं, है ना, ये बोलने का केंद्र जो होता है ये हमारे मस्तिष्क में एक एरिया होता है जिसका नाम होता है ब्रोका एरिया। लिख देता हूं, एक केंद्र होता है हमारे मस्तिष्क में जिसका नाम होता है ब्रोका क्षेत्र होता है। ये ब्रोका क्षेत्र रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? बोलने के लिए। ठीक है, अगर मेरा ब्रोका क्षेत्र खराब हो गया ना तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मेरी जीभ ठीक है लेकिन मैं फिर भी बोल नहीं पाऊंगा, क्यों? क्योंकि ब्रोका एरिया जो है वो क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। तो इनमें बोलने का केंद्र जो है वो स्टार्ट हो चुका था, मतलब विकसित हो गया था, और ये लैंग्वेज जो है उसको भी समझना स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद आए थे क्रोमैग्नॉन, ये लगभग आज से 50,000 से लगभग 10,000 साल पहले मिला करते थे, आज से 50,000 से लगभग 10,000 साल पहले ऐसे मिला करते थे। ये नियंडरथल थे, ये क्रोमैग्नॉन थे, देखो दिख रहे ना, क्रोमैग्नॉन हमारे जैसे थोड़े से, है ना? हाँ जी, इनकी इनकी खोज जो हुई थी, इनके जीवाश्मों की खोज कहां पर हुई थी? इनके जीवाश्मों की खोज फ्रांस में चट्टान है क्रोमैग्नॉन चट्टान, वहां पर हुई थी। आप यही पूछेंगे सर ये नाम कहां से है, तो क्रोमैग्नॉन का नाम कहां से है? क्रोमैग्नॉन नामक चट्टान है, कहां पर है? फ्रांस में, जहां पर इनके जीवाश्म मिले। मैकग्रेगर एक वैज्ञानिक है जिसने खोजे, इसलिए इनका नाम क्रोमैग्नॉन मैन पड़ गया। इनकी कपाल क्षमता आज तक सबसे ज्यादा कपाल क्षमता इनकी रही है 650 सीसी, ना ही हमारी है, हमारी भी नहीं है भैया, हमारी कितनी है भैया? हमारी कितनी है? 1450, मतलब 1300 से 1600 है। एवरेज कितनी है? 1450 सीसी है। इनकी सबसे ज्यादा मिली है अब तक 1650 सीसी इनकी अधिकतम मिली है। गुफाओं में रहते थे, सर्वहारी थे, ठीक है। इनका ये जो माथा जो है ना, ये माथा जिसको हम बोलते हैं फोर हेड बोलते हैं, ललाट
जो होता है ना ये बड़ा था और ठोड़ी जो है वो पूर्ण विकसित हो चुकी थी। अब तक ठोड़ी किसी में नहीं आई थी, ये ठोड़ी होती ना, ये ठोड़ी ये अभी तक किसी में नहीं आई थी, सब ऐसे नीचे गोल गोल चेहरा घुमा होता था, ऐसे ऐसे होता, ऐसे ठोड़ी नहीं आई थी। तो सबसे पहले ठोड़ी जो थी वो किस में आई थी, क्रोमैग्नॉन में आई थी। जबड़े इनके जो थे वो कैसे थे, ऑर्थोगनेथस थे। अब ऑर्थोगनेथस का मतलब क्या होता है, सी आकार। प्रोग्नेथस का मतलब यू आकार, मैंने आपको कहीं लिखा हुआ बताया भी था, प्रोग्नेथस यू आकार प्रोग्नेथस होता है, और सी आकार जो होता है ऑर्थोगनेथस होता है, सी आकार ऐसे। तो आपके जबड़े कैसे हैं सर, हमारे जबड़े भी तो सी आकार के हैं। सोच तेरे जबड़े ऐसे मिल रहे हैं क्या, ऐसे कुत्ते में मिलते हैं जबड़े, नहीं मिल रहे। तुम्हारे अंदर मेरे अंदर हमारे अंदर कैसे होते हैं, ऑर्थोगनेथस होते हैं। इनमें भाषा और बोलने का केंद्र पूर्णतः विकसित हो चुका था, यहां पर स्टार्ट हुआ था विकास करना, यहां पर पूर्णतः विकसित हो चुका था। ये भी जानवरों की खाल के कपड़े पहना करते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यह मानव शिकारी तथा शिकार में पालतू कुत्तों का प्रयोग करते थे। याद रखना, कुत्तों का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने करना स्टार्ट किया था, पशुपालन जो है वो भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। पशुपालन घर की दीवारों में या गुफाओं में, सॉरी गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी भी इन्होंने स्टार्ट करी थी, किसने, क्रोमैग्नॉन ने, जो लगभग लगभग जो गुफाओं के जो चित्र जो आज से 18,000 साल पहले चित्र इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो याद रखना, भूलना जाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट लास्ट है आधुनिक मानव, हम हमारी बात कर रहे हैं, तो बेटा हम आज से 75,000 से 10,000 साल पहले हिमयुग के दौरान आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई थी। हिमयुग मतलब बर्फ ही बर्फ थी पृथ्वी पर, मतलब सारी बर्फ नहीं थी, ज्यादातर बर्फ ही बर्फ थी। अफ्रीका में विकसित हुए और धीरे धीरे अलग अलग महाद्वीपों में फैलते गए फैलते गए फैलते गए। ठीक है, आज के मानव की बात करें तो हमारी कपाल क्षमता इतनी है, ये याद रखना है, 1450 cc है, 1300 से 1600 के बीच में। पूर्ण विकसित हमारे अंदर ठोड़ी होती है, पूर्ण विकसित बोलने का केंद्र होता है, बोलने का केंद्र तो कुछ ज्यादा ही विकसित हो चुका है ना। तुलनात्मक रूप से हमारा ललाट जो है, ये वाला हमारा फोरहेड जो है, तुलनात्मक रूप से थोड़ा छोटा है। सर आपका तो बहुत बड़ा है बेटा, बाल उड़ गए ना इसलिए। शरीर पर बाल थोड़े से कम हो गए। जबड़े अर्धवृत्ताकार है, यानी पूरे वृत्ताकार नहीं है, सी शेप है। चेहरा ऑर्थोगनेथा से, ये मैंने आपको बता दिया, सी शेप के जबड़े हैं हमारे। सर्वहारी है हम, जी हाँ, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं। सबसे पहले कृषि जो है, यस याद रखना, सबसे पहले कृषि जो है हम लोगों ने लगभग 10,000 साल पहले स्टार्ट कर दी थी। मानवों ने बस्तियां बनाना स्टार्ट कर दिया था, खत्म खलास, इतनी सी बात थी। ये था आपका पूरा का पूरा मानव विकास, और इसी के साथ पूरा का पूरा समाप्त हुआ है आपका चैप्टर विकास। कैसा लगा विकास, मजा आया, अच्छे से एक एक कंसेप्ट आपको बताया गया इस चैप्टर का। डन, समय हुआ है आपके क्विज का, पहला प्रश्न आता हुआ, फर्स्ट, मानव के किस पूर्वज ने सर्वप्रथम दो पैरों पर चलना आरंभ किया था, कौन थे जिन्होंने सबसे पहले दोनों पैरों पर चलना स्टार्ट किया था, क्रोमैग्नन, ऑस्ट्रेलोपिथीकस, जावा, कपी मानव, पीकिंग मानव, दिमाग लगाइए, सोचिए सबसे पहले किसने चलना स्टार्ट किया था अपने दोनों पैरों पर। दूसरा प्रश्न, आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज कौन है, यानी हमारे सीधा पूर्वज कौन है, जावा मैन, पेकिंग मैन, क्रोमैग्नॉन, नियंडरथल, यानी हमारा विकास होमो सेपियंस सेपियंस, आधुनिक मानव की बात कर रहे हैं, आधुनिक मानव यानी हम, हमारे सीधा पूर्वज कौन थे, जावा मैन थे, पेकिंग मैन थे, क्रोमैग्नॉन थे, नियंडरथल थे। हमसे पहले कौन आए थे भाई, हमसे पहले कौन थे, बस इतना सा पूछा, हमसे पहले कौन थे। चलो जी, समय हुआ समाप्त, आइए देखते हैं कौन थे जिन्होंने दो पैरों पर चलना आरंभ किया था, ऑस्ट्रेलोपिथीकस,
याद कर, बाइपेडल लोकोमोशन बताया था, द्विपादीय गमन सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने स्टार्ट कर, जिसके अंदर कपि और मानव दोनों के लक्षण थे। दूसरा, आधुनिक मानव के सीधा पूर्वज कौन है? भाई साहब, हमसे पहले जावा मैन आए थे? नहीं। पीकिंग आए थे? नहीं। नियंडरथल आए थे? नहीं। नियंडरथल के बाद क्रोमैग्नोन आए थे, और क्रोमैग्नोन के बाद हम आए थे। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी इज द करेक्ट आंसर। चैप्टर हुआ है समाप्त। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होएगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़िएगा इस विकास चैप्टर को अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।